आज हिंदी दिवस है तो सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की सबसे पहले हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है बल्कि हिंदी भारत के लोगों की आत्मा है। ये सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में बोली जाती है। दुनिया 80 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं दुनिया में। वही हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। इसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसलिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। तो चलिए एक नजर डालते हैं हिंदी भाषा के जन्म और उसकी विकास यात्रा पर। हिंदी का इतिहास कितना पुराना है ये कहना तो मुश्किल है। हिंदी का इतिहास संस्कृत की भांति ही प्राचीन है। हिंदी संस्कृत की बेटी है, इसलिए हिंदी के सारे स्वर व्यंजन मात्राएं आदि संस्कृत के समान हैं। माना जाता है कि संस्कृत भाषा दो भागों में विभाजित हुई, एक वैदिक और दूसरी लौकिक। वेदों की रचना जिस भाषा में हुई उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है, जिसमें वेद और उपनिषद का जिक्र आता है, जबकि लौकिक संस्कृत में दर्शन ग्रंथों का जिक्र आता है। इस भाषा में रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि ग्रंथ लिखे गए। इसके बाद संस्कृत भाषा कई रूपों में विभाजित होती चली गई। इन विभाजित होती भाषाओं का प्रयोग बौद्ध ग्रंथों और जैन साहित्यों में किया गया। संस्कृत भाषा के अंतिम चरण में प्राकृत भाषा हुई और फिर अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश के ही जो सरल और देशी शब्द थे उसे अपभट कहा गया और इसी अपभट से ही हिंदी का उद्भव हुआ। लेकिन हिंदी के अधिकांश विद्वान हिंदी का विकास उपभ्रंश से ही मानते हैं। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो। हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ। इस भाषा से कई आधुनिक भारतीय भाषाओं और उपभाषाओं का जन्म हुआ, जिसमें शौर सैनी यानी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, पोशाची यानी लनहदा पंजाबी, राचड़ यानी सिंधी, खस यानी पहाड़ी, महाराष्ट्री यानी मराठी, मागधी यानी बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, अर्धमागधी यानी पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ। समय के साथ साथ साम्राज्यों और जीवन शैली का क्षेत्रीय विकास हुआ और तब क्षेत्रीय भाषाएं अस्तित्व में आई और सभी क्षेत्रीय भाषाएं हिंदी की बेटियां और संस्कृत की पौत्री हैं। 8वीं शताब्दी के बाद विदेशी आक्रमण और विदेशी सत्ता आने के बाद हिंदी का काफी नुकसान हुआ और अंग्रेजी, अरबी, फारसी जैसी भाषाओं का विस्तार हुआ। विदेशी शासकों की हमेशा से नीति रही फूट डालो, शासन करो, इसलिए उन्होंने हिंदी का दमन किया और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया। लेकिन फिर समय बदला और जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ तो एक संपर्क भाषा की आवश्यकता पड़ी। महात्मा गांधी की मातृभाषा गुजराती थी, लोकमान्य तिलक की मातृभाषा मराठी थी, नेताजी सुभाष चंद्र की मातृभाषा बंगाली थी, यानी ज्यादातर सभी स्वतंत्रता सेनानियों की अपनी अपनी अलग अलग मातृभाषाएं थीं। लेकिन सभी ने हिंदी के प्रचार प्रसार पर जोर दिया और इसी के साथ हिंदी की पुनर्स्थापना का काम शुरू हुआ। 1918 में सबसे पहले गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास जैसे कई महापुरुष इस प्रस्ताव के सदस्य थे। फिर तमाम प्रयासों के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया। एक विडम्बना ये भी है कि हिंदी आज भी राजभाषा ही है।
हिंदी के महत्व और हिंदी के विकास को लेकर बुद्धिजीवी वर्ग के लोग क्या कहते हैं, सुनते हैं। कि हिंदी को विकास को लेकर के कवियों की भूमिका रही है, कवि या रचनाकार की भूमिका है, लेकिन इतने आजादी के इतने सालों बाद भी हम अपनी हिंदी को राजभाषा का जो जो मिलना चाहिए दर्जा वो नहीं उसको दे पाए हैं। और मेरा आशय ये नहीं कि अंग्रेजी कोई दूसरी भाषा सीखे पढ़ी न जाए, कोई भी दूसरी भाषा सीखना कोई जुर्म नहीं है, अपराध नहीं है, लेकिन अपनी भाषा का निरादर करना, उसको हे दृष्टि से देखना, यह मतलब गलत है। आज भी जो हमारे देश के रचनाकार हैं, साहित्यकार, उन पर बहुत बड़ा दायित्व है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। विशेषकर हिंदी के संदर्भ में साहित्य अकादमी या साहित्य परिषद की जब हम चर्चा करते हैं तो इसका प्रारंभ बहुत पहले मध्य प्रदेश में हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम 3 दशक का इतिहास कह सकते हैं। और वैसे तो प्रकारांतर से इससे अधिक पुराना इतिहास है, लेकिन एक अधिकृत रूप से इतना तो कार्य उसने किया ही है। तो कुल मिलाकर के ये 5-7 जो बोलियां हैं उनका विकास करना है और हिंदी भाषा का विकास करना है। हिंदी और संस्कृत ऐसी दो भाषाएं हैं जिनके साथ भारत का इतिहास जुड़ा हुआ है, भारत का मूल जुड़ा हुआ है। तो हिंदी जितना उपयोग किया जाए उतना महत्वपूर्ण है। आप अनेकों महापुरुषों को देखिए, हिंदी के कारण वो विशेष रहे। मैं एक उल्लेख करना चाहता हूं कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सदैव हिंदी में बात करते हैं। हम ये मान सकते हैं कि 14 तारीख को मनाने के साथ साथ हम अन्य क्षेत्रों में भी हिंदी के उपयोग को, मुझे बहुत खुशी होती है ये जानकर के कि हमारे जो कोर्सेज हैं, जो जैसे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, इन सब के बारे में एक एक चर्चा चलती रहती है कि इनके कोर्सेज हिंदी में होना चाहिए। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो। हिंदी।